50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग का महत्वपूर्ण और बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, 3 जनवरी 2022 को कार्मिक विभाग के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि देश में बढ़ते COVID-19 के मामलों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारी ने यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में 31 जनवरी 2022 तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सस्पेंड रहेगी। यानी कि अब केंद्रीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस को 31 जनवरी 2022 तक सस्पेंड कर दिया गया है। किसी भी केंद्र सरकार के दफ्तर में फिलहाल बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं ली जाएगी। जहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाती थी उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके अलावा यहां पर ये भी कहा गया है कि जो फिजिकल रजिस्टर्ड हैं, जो फिजिकल अटेंडेंस के रजिस्टर हैं उन्हें मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण ताज़ा आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़े अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।